तूने डॉक्यूमेंट्री भी बनाई ना? हाँ, उसमें है कि मैंने कैसे 7 अरमान को पूरा किया। तो कैसा लगा तुझे इतने सारे कैमरे आसपास देख के? सच बोलूँ तो जब सारे मेंबर्स होते हैं ना तो कैमरा सबको रिकॉर्ड करते हैं, पर क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री में बस मैं ही था तो सारे कैमरे मेरे आगे पीछे ही घूम रहे थे। डॉक्यूमेंट्री यही दिखाती है कि शूटिंग को छोड़ के और टाइम आप क्या करते रहते हो। मैंने आपकी भी देखी थी जब आप स्टूडियो में काम कर रहे थे, तुम्हें पता भी है इतनी दूर मैं कैसे पहुँचा हूँ? अरे कभी कभी हमें याद नहीं रहता ना कि अभी भी कहीं से हमें शूट किया जा रहा है। पर आपको देख के अच्छा लगा, तूने मेरी कॉन्सर्ट में मेहमान बन के परफॉर्म भी किया था ना, तो सच में परफॉर्म ही करना चाहता था या कुछ और? हाँ, वो सच बोलूँ तो मैं आपको सपोर्ट करने आया था और आर्मी से मिले भी बहुत टाइम हो गया था तो उन्हें देखने का भी मन था। मैं खुद सारे मेंबर्स के साथ स्टेज पे लाना चाहता था क्योंकि हमें साथ में कॉन्सर्ट के बहुत टाइम हो गया ना। हाँ, हमने इस बारे में बात भी की थी, आपने कॉन्सर्ट किया। हाँ, पता है कि आपका मन था, पर एक और वजह ये भी थी जो आपने मुझे बताई कि आप चाहते थे कि आर्मी हमारा कॉन्सर्ट देखे। ये तो सच है कि आर्मी को हमारी याद आती है। जब आपने वो बात बोली तब मुझे भी लगा कि युंगी भाई हमारे फैंस के लिए कितना सोचते हैं। मैंने फैन मीटिंग्स भी की थी। मैं भी करूँगा। हाँ, और बहुत मजा भी आया। हाँ, अरे तेयु, क्या तेयु ने वहाँ? अभी हम शूट कर रहे थे, यहाँ से दफा हो जाओ। तुम लोग मीट क्यों नहीं गरम कर रहे हो? हम अभी कुछ बात कर रहे थे। पर तुझे कैसे पता चला कि आज शूट है? ग्रुप चैट पे पढ़ा। मैं जिम में था तब पता चला कि जंकू आया हुआ है। मैं बैठ जाऊँ? हाँ हाँ, आज का स्टार तो जंकू क्या है? तेयु कुछ पिएगा? ना ना। चल तेरे लिए मैं कोला ले आता हूँ। आपके पास सब कुछ पड़ा रहता है क्या? मैं तो बस आपकी बातें सुन के जाने वाला था, पर तब तक आपने मुझे देख ही लिया। मैं जिस मेंबर की सबसे ज्यादा इज्जत करता हूँ वो यंगी भाई है। मैं भी। फिर कॉन्सर्ट में जिमिन भी आया, नमजुन भी आया, पर उन्हें भी डर लग रहा था क्योंकि काफी टाइम से उन्होंने परफॉर्म नहीं किया ना। नमजुन भाई के तो हाथ भी कांप रहे थे। बहुत मजा आया। और जंकू की एल्बम गोल्डन आ गई है। हाँ, उस फोटो में तूने जैकेट पहनी है ना? जंकू को मुंह पर करके फोटो खिंचाना बहुत पसंद है। मुझे सबसे पहले नमजुन भाई ने गोल्डन नाइट में बोला था, मैं रैप भी कर सकता हूँ, गा भी सकता हूँ, डांस भी कर सकता हूँ, सब कर सकता हूँ। क्यों? हाँ शायद। तब तो तुझे गोल्डन माइक नहीं बुलाना पड़ेगा। और अभी जो टाइम चल रहा है वो किसी गोल्डन टाइम से कम नहीं है। तेरा अगला गाना है स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू। हाँ, मैंने उसके लिए एंट्री के साथ काम किया है, थोड़े सुनते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, और आगे बढ़ो, जरूर बढ़ेंगे।